बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसमें वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट्स दिए गए ए, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह की इक्वेशन अगर हमारे पास होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, और तभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आज हमारी जो ये वीडियो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर ही बेस करती है। लेकिन पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्यूबिक एंड लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट में बॉक्स में जो है वो कमेंट किया था कि मिस हमें पहले तो पॉलीनोमियल का बता दें, लेकिन बेटा मैंने अपने चैनल के ऊपर पॉलीनोमियल पर बहुत डिटेल वीडियो बता दी है, सेंड की है, आप वहाँ जाकर देखें, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं रिव्यू यहाँ देती चलूँ आपको। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स हमारे पास कि पॉलीनोमियल क्या है। पॉलीनोमियल ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दिए गए जो टर्म्स होते हैं एक्स वाई जेड जो भी दिए गए हों उनकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उनकी पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमारे पास जो है होल नंबर्स में होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दिए गए एल्जेब्रिक टर्म्स हों एक्स वाई जेड जो भी दिए गए हों उनकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारे पास पॉलीनोमियल में स्टूडेंट्स तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं जो हम पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। एक होती है हमारे पास लीनियर, सेकंड हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और थर्ड हमारे पास होती है स्टूडेंट्स क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक भी ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उसको भी देखें। मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लीनियर पॉलीनोमियल है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ साथ आपको यहाँ बता दी जाऊँ, लेकिन 2x + 1 है। इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर दिया गया होगा ना वो हमारे पास यानी कि डिग्री 1 होना चाहिए। लीनियर पॉलीनोमियल में हमेशा डिग्री जो है 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है 1, हमारे पास यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर दिया गया ना वेरिएबल का, ये हमें ये 1 होना चाहिए। अगर ये मेरे पास 1 है तो ये इसकी डिग्री 1 है तो ये मेरे पास लीनियर है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये लगा लें 2x + 1 ले लें, या एक और एग्जांपल ले लें 4x + 3 ले लें। अब देखें यहाँ पर भी जो हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म दिया गया है जो कि हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो हम कह देंगे जी 1 डिग्री 1 है इसकी, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक में हमेशा हमारे पास 2x² + 3x + 5, देखें यहाँ पर हायर नंबर ऑफ जो हमारे पास पावर है हाईएस्ट पावर है हमारे पास, यहाँ x से 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ 2 है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे मेरे पास जो है अगर उसकी डिग्री 2 होगी तो मैं कह दूँगी जी ये मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये लगा लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा x² + 8x + 5 ले लीजिए बेशक आप। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 15। अच्छा अब देखें अगर क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन में स्टूडेंट डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। देखिए 2x³ + 3x² - 11x - 6 = 0। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है हाईएस्ट पावर दी गई है, यहाँ पे देखें x भी है, x² भी है और x³ भी है, इसकी पावर मेरे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे डिग्री 3 दिया गया है, तो ये मेरे पास क्यूबिक है। लेकिन आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर मैंने स्टूडेंट्स आपसे यह जो है डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले भी इस पर सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कोफिशिएंट और पॉलीनोमियल बायनोमियल जो है ट्राइनोमियल जो है मोनोमियल वगैरह मैंने डिस्कस किया था जी स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, आप देखें यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 5x + 1 - 2, आज थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लेंगे। पहले हमने सिंपल वीडियो जो है अपलोड की थी, इसमें बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थी जो आपने जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ऊपर देख लें, अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्टूडेंट्स 2x² + 3x + 5, यही वाली मैं ले लूँ अगर, तो देखें इसमें बहुत सिंपल है, मैं कह दूंगी जी ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी सी इक्वेशंस को इस तरीके की फॉर्म में लेते हैं, अगर इस तरह की इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है, बेसिकली हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, अगर इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ जाती है फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आज हम क्वाड्रेटिक करने जा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। x + 1 - 2 (x - 2 = 17). पहले तो हमें इसको देखना है कि स्टूडेंट्स क्या है, इसको आप कंपेयर करें इसके साथ कि कंपेयर हो रही है क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर हो रही है, जिन्हें बिल्कुल नहीं हो रही है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है एक्स दिया गया है, इसकी पावर 1 है तो ये डिग्री 1 है, तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन। पहले तो मैं इसमें क्वाड्रेटिक बनाऊंगी,
क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। आप पहले ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये मेरे पास हो जाएगा 5x और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो 5 डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। ये हो जाएगा 2x और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 4 = 17। अब देखिए मेरे पास ये 5x है और ये 2x है, तो ये यहीं पर सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स। 5 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 5 and 4 है, 5 9 4 जो है मेरे पास 9 हो जाएगा, पॉजिटिव 9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 17। अरेंज करके भी कर सकती थी लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेंदी हो जाएगा, इतने स्टेप्स तो आपको आते ही हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 3x, अब ये देखिए 17 है, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात यहाँ डिस्कस करते चलूँ, क्योंकि हमें एक तरफ क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व करें इसको, माइनस जब 17 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर 17 बड़ा है और 17 के पास माइनस लगा है। इसी तरीके से अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ तैयार हो गई है। अब आप देखें इसको आप कंपेयर कर देखें क्या इसके साथ कंपेयर हो रही है, जी स्टूडेंट्स बिल्कुल। अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल नहीं दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे जी ये हमारे पास ए जो है वो 0 है यहाँ पर, और बी जो है स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर क्या है 3 है, इसका कोफिशेंट देखें, और मेरे पास यहाँ पर जो है सी की वैल्यू दी गई है माइनस का 8। इसी तरह अच्छा कोफिशेंट क्या होता है, बच्चे बाज़ार बड़ी मिस्टेक करते हैं, थोड़ा यहाँ बताती जाऊँ आपको कोफिशेंट के बारे में भी स्टूडेंट यहाँ वर्ग में बताती जाऊँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स दिया गया है, ठीक है, अब हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x लगा लें माइनस 2x। अब मैं आपको कह रही हूँ जिसके अंदर आपके पास कोफिशेंट क्या है, तो आप कह देंगे जी इसके अंदर मेरे पास जो कोफिशेंट दिया गया है वो माइनस का 2 है, ठीक है, ये मेरे पास कोफिशेंट है। अगर मैं कह दूं जी मेरे पास यहाँ पर 1/2 ax लगा लें, अब इसमें मेरे पास कोफिशेंट क्या है, तो आप कहेंगे मिस 1/2 a जो है वो हमारे पास कोफिशेंट है, x जो है वो एल्जेब्रिक टर्म है। इसी तरीके से अच्छा अगर मैं कह दूं जी -7 ab² y लगा लें, अब आप बताएं x भी इसमें आना चाहिए, चले वाई, अब बता दें इसके अंदर मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया गया, आप कह देंगे मिस ये पूरा जो वेरिएबल दिया गया x भी लगाएं यहाँ पर। अच्छा अब मेरे पास ये -7 ab² x y मेरे पास इसके अंदर से स्टूडेंट्स जो है वो कोफिशेंट क्या है, तो आप कह देंगे जी -7 ab² y जो है मेरे पास यहाँ पर जो है वो कोफिशेंट है, और x कोफिशेंट नहीं है, x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, अब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला विल भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने अभी डिटेल में बताया है, अगेन दोबारा सॉल्व करते हैं यहाँ पर इसको। अब आप देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बात बच्चों ने एक बार डिस्कस की थी मैं से, यहाँ अगर हमारे पास एक वेरिएबल नहीं दिया गया होगा, एक टर्म नहीं दी गई होगी, हम क्या करेंगे, तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, नहीं बेटा आपने 0 लगाना है और जो है सॉल्व कर देना है इस फॉर्मूला में रखकर। कोई भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बी भी 0 हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास सी भी 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखें -b, अब देखें यहाँ पे मेरे पास -b की वैल्यू मैंने लेनी है, तो मेरे पास -b क्या दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 दिया गया है, तो मैं माइनस का 3 लगा लूँ। अगर ये -3 होता तो मैं ब्रैकेट लगाती, ये प्लस माइनस का साइन लगाया, अब b की जगह b² -4 a मेरे पास 0 है, और c की वैल्यू मेरे पास दी गई है -8, और ये रूट सब पर है डिवाइडेड बाय 2, और a जो है मेरे पास 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, पहले 3 का स्क्वायर ले लीजिए, जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो बस 9 हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, जाहिर है 4 0 0 और 0 8 0 हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन जो है माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा। ये तो यहीं पर ही कहानी हमारी ख़त्म हो गई, -3 प्लस माइनस ये सिर्फ हमारे पास 9 बचेगा रूट में। अब आप बताएं, अब आपको पता है हमारे पास 9 का रूट क्या होता है, मेरे पास यहीं आके सॉल्व कर देती हूँ, हमारे पास 9 का रूट जो है स्टूडेंट्स वो होता है यहाँ पर 3 होता है प्लस माइनस 3। इसका मतलब है स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैंने इस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, और एक दफ़ा मैंने जो है इस इक्वेशन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। इसी तरीके से है देखिए, अब मैं यहाँ ले लेती हूँ जी इधर देखें एक्स के साथ, ये ऑलरेडी 3 माइनस का तो मेरे पास था जो चलता हुआ आ रहा है ऊपर, ये प्लस माइनस 3 है तो मैं एक दफ़ा प्लस 3 ले लूँगी, और एक दफ़ा जो है मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 3 ले लूँगी, तो ये वाला प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इस वाले एक्स में देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का सिक्स। सो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन साइड हमारे पास आएगा जी जीरो एंड माइनस का सिक्स। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप हमारे पास, देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन बाय वाई प्लस फोर, अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। अब देखें पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, हम उसका एलसीएम जब लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई प्लस फोर एंड वाई माइनस फोर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम लेना तो आपको आता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास वाई माइनस फोर माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। ये यहाँ पर डिवाइड में है और जब ये मेरे पास फोर के पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो y माइनस फोर माइनस वाई प्लस फोर, ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास फोर के पास और यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y प्लस फोर एंड y माइनस फोर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जाहिर है इसको सॉल्व करना है ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। अब देखें मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट मुझे ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर लूँ तो मेरे पास ये y है, ये माइनस फोर है, अब ये वाला माइनस ये वाला ब्रैकेट इतना इतना हिस्सा ओपन हो जाएगा तो ये माइनस का वाई हो जाएगा और ये मेरे पास माइनस का फोर हो जाएगा। यहाँ पर देखें पॉजिटिव वाई इस नेगेटिव वाई से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर स्टूडेंट ब्रैकेट को ओपन करना है, फोर मैं इसी तरह रखती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। जब वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूँगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई को फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का फोर वाई हो जाएगा। इसी तरह पहले मैंने इसको इसके साथ किया, देन इसको फोर के साथ किया, अब इसकी बारी जब इस फोर को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का फोर वाई हो जाएगा, और यही फोर जब इस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का सिक्सटीन आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये माइनस का फोर वाई इस प्लस फोर वाई से कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ माइनस का फोर तो ये हो जाएगा माइनस का एट मेरे पास, और यहाँ मेरे पास फोर है, अंदर क्या बचा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब मुझे जो है कोशिश करनी है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए, तो ये वहाँ मल्टीप्लाई में इसके पास आके डिवाइड पे फोर हो जाएगा और ये मेरे पास स्टूडेंट हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन। इसी तरीके से अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट, मेरे पास ये हो जाएगा माइनस का टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का सिक्सटीन। अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये देखें ये माइनस का टू है, जब मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊँगी राइट हैंड साइड पर तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का टू, ठीक है। प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन और टू में आप माइनस करेंगे, सिक्सटीन में से टू को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्टीन पर माइनस का फोर्टीन, इसी तरीके से है, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखें मेरे पास, अब इसको कंपेयर करें क्या हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन रही है, ठीक है स्टूडेंट। आप कंपेयर कीजिए हमारे पास कि ये इस तरह की इक्वेशन बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स मेरे पास ये कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो दिया गया है, सॉरी ये हमारे पास वाई स्क्वायर जो दिया गया है, ये तो मैं ले लूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ए आ गया, तो ए मेरे पास कितना दिया गया है वन। अब मेरे पास ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है ये सी है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब बी मौजूद नहीं है, तो बी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा और सी जो है वो मेरे पास यहाँ पर माइनस का फोर्टीन हो जाएगा। पहले जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की उसमें मेरे पास ए ज़ीरो था, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ मेरे पास बी ज़ीरो आ गया, तो आप इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दें। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, ठीक है, इसी में आप इसको पुट करेंगे। अब माइनस बी, मेरे पास बी तो स्टूडेंट ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने बी में कोई वैल्यू रखनी ही नहीं है, डायरेक्ट प्लस माइनस लूँगी ये वाला, यहाँ पर भी बी स्क्वायर में वैल्यू ज़ीरो आई है तो यहाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ माइनस फोर ए मेरे पास कितना आया है यहाँ पर वन एंड सी माइनस का फोर्टीन, ठीक है, वन और सी है माइनस का फोर्टीन, तो मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको, डिवाइड कर देंगे टू और ए जो है वो मेरे पास वन है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस। अच्छा जी देखें फोर वन ज़ा फोर एंड फोर को फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फिफ्टी सिक्स आ जाएगा, ये दोनों साइन माइनस माइनस हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी
और 2 1 2 हो जाएगा। देखें अब हमारा स्टूडेंट्स है तो सिर्फ सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है 56 का पहले आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसको सॉल्व करना है रूट। अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ स्टूडेंट 56 के तो ये मेरे पास बन जाएंगे, देखें 2 4 2 2 4 वन कैरी हो जाएगा, 2 8 16 तो 2 1 2 2 4 8 2 7 14 एंड 7 1 7। देखिए जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है और 2 7 अंदर रहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास रूट में जो है स्टूडेंट्स 2 बाहर आ जाएगा और सिर्फ मेरे पास 14 जो है वो रूट के अंदर रहेगा डिवाइडेड बाय 2। इसी को आगे सॉल्व करते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, जब हमारे पास ये 14 है जाहिर है 2 का फैक्टर बना था, पेयर बना था, हमने बाहर निकाल लिया और 7 2 14 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 से देखें यहाँ पर 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है तो आगे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 बच जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 14। इसका मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन सेट में, एक दफ़ा हमारे पास जो है ये अंडर रूट प्लस 14 आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास माइनस अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्लस 14 अंडर रूट और माइनस 14 अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 14 अंडर रूट और माइनस 14 अंडर रूट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास देखिए आपका एक होमवर्क है, 3 x - 2 -1 x + 2 = 5। अब आपने कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं जब तक नई वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।